भारतीय लाइफस्टाइल में पान एक केवल उत्तम खाद्य सामग्री नहीं बल्कि इसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी लिया जाता है। यही कारण है कि भारतीय फिल्मों में इसका महिमा मंडन कहीं के पान बनारस वाला और गुरुलिया का पान के रूप में खूब किया गया है। खास बात यह है कि इसे खाने की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है और इसके कई स्वास्थ्य लाभों का दावा भी लगातार किया जाता है। एक आम धारणा है कि पान खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह सच है या फिर केवल एक सामाजिक किवंती? इस विषय पर BHU के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुशील दुबे ने इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर किया है। वैद्य सुशील दुबे के अनुसार पान के पत्ते में कई प्राकृतिक तत्व होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। इसके अलावा पान के प्रयोग होने वाले कत्था, लौंग, इलायची में कैप्साइसिन होता है जो मुंह के छालों के इन्फेक्शन को कम करता है, जिससे मुंह के छालों में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। आमतौर पर यदि मुंह में साधारण छाले हैं तो 2 से 3 दिन तक पान के सेवन से इससे छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, जो अभी आपने मुंह के छाले के लिए कहा, तो चूंकि जो छाला होता है, अगर आप देखेंगे तो छाले का जो काम है उसमें है आपका कि इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फ्लेमेशन कफ के कारण में, कफ का एरिया हमारा है, एक कफ का क्षेत्र है, पूरा छाती के ऊपर का एरिया कफ का होता है और कफ के कारण में ही आपका कफ का जो उत्पत्ति होती है जल से होती है और जल में होने के कारण में उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन आदि होकर के बनती है और ये पित्त का बढ़ाने वाला पान हमारा होता है। तो उस पित्त के द्वारा जब आप खैर आदि जो उपयोग करते हैं उसमें, खैर या लौंग इलायची, उसमें क्या होता है कि आपका देखिए कसाय सीत है और कसाय सीत का जो काम होता है वो स्तंभन करता है, मतलब वो जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा और जो ही इन्फ्लेमेशन कम करेगा तो ही आपके बहुत बेहतर परिणाम इसके छाले आदि में होते हैं। कुछ लोग इसमें अलग अलग अपना ब्रश यूज किया वो छाला के लिए, किन्हीं लोगों ने अपने जो लोकल टाइप के है कि सिंपल हम ले लिए और अच्छा खासा इसका रिस्पॉन्स होता है पान का और अगर आप ले करके देखेंगे तो काफ़ी बेहतर परिणाम मिलते हैं। और दूसरा होता है कि पेशेंट का जो आपका लाइफ स्टाइल कैसा है तो वो बेस करता है, लेकिन अगर नया नया केस तुरंत हुआ है तो हमें लगता है 2 to 3 days में आराम से ठीक होता है, ऐसा देखा हुआ केस दिखाओ मिलते हैं।